जय श्री राम। मित्रों, रामचरितमानस का आज का प्रसंग है भरत का तीर्थ जल स्थापन तथा चित्रकूट भ्रमण। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआ है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे बादशाह शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआ था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में स्थान में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थान है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी ने सेवकों से उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआ बनवा दिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म को विचार जो अत्यंत अगम्य था, इस कुएं के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री रामचंद्र जी, अत्रि और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साधे साध से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है वो बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सुझाकर कोमल हो गई। कुछ कांटे, कंकड़ी, दरारे आदि कंडी कठोर और बुरी वस्तुएं जो छिपकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग दे दिए छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर मार्ग दे दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके, वृक्ष फूल फुलाकर तीर्ण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को और श्री रामचंद्र जी के प्यारे जाल को उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य ने जबाही लेते समय राम कह देने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए तो यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सोचका जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों का दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। तो इसके लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे हैं, भरत शत्रुघ्न दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिर कर ढाई पहर दिन बीत जाने पर लौट पड़ते हैं। फिर आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। मित्रों, रामचरितमानस का यह प्रसंग यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।